प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाड़ा मेरे यूट्यूब चैनल साहित्यिक जानकारी ते। अज दी इस वीडियो विच आपां निबंध दे तत् अते विकास बारे विस्तार सहित पढ़ांगे। वीडियो नूं एंड तक देखियो तां कि तुहानूं निबंध बारे, इस दे तत्तां बारे ते इस दे विकास बारे पूरी पूरी जानकारी हो सके। तां चलो शुरू करदे हां साडा अज दा टॉपिक। निबंध देखो, आधुनिक वार्तक दा इक चर्चित ते उत्तम रूप है यह। ठीक है, तो आधुनिक पंजाबी वार्तक अंदर यह किस दे अधीन आया? तो पछमी प्रभाव दे अधीन आया। तो यदि परिभाषा देखो, निबंध नूं अंग्रेजी विच ऐसे आखदे आ, तो इस दीआं वख-वख परिभाषावां दित्तियां बहुत जणिआं ने, पर इहदे विच आपां देखो इत्थे ब्रिटेनिका विश्व कोश अनुसार निबंध तों भाव अजिही साहित्यक रचना है जो दरम्याने जां उचित आकार दी हुंदी है, ते जिस दे द्वारा लेखक अपने निजी अनुभव ते निजी दृष्टिकोण दे आधार ते किसे एक विषय बारे अपने विचार है जिहड़े उह सहज सुभा प्रगट करदा। ठीक है, निबंध दे तत्त देखो, जिवें विशा ते भाव, निबंध दा केंद्र भाव जां विचार होना चाहीदा जिस नूं रोचक ते कलापूर्ण ढंग दे नाल प्रगटाया गया होवे। दूजा तत्त हैगा इहदा मंतव ते मनोरथ। इहदी देखो इक इत्थे मैं लिखी है परिभाषा, जिवें डॉक्टर जीत सिंह सीतल ने लिखिया, यह निबंधकार दा निबंध लिखण दा कोई ना कोई विशेष भाव हुंदा, उह किसी आशे सिद्धांत जां भाव नूं अपने विचार अनुसार प्रगटाउणा ते दृढ़ाउणा चाहुंदा, ते किसी खास नुकते नूं उघाड़ना ते पाठकां तक पहुँचाउणा उसका मुख मंतव हुंदा। ठीक है, ते तीजा तत्त आ गया साडे कोले मौलिकता। निबंध की मौलिकता भावां जां विचारां दी नवीनता ते कथन दी विलखणता उत्ते निर्भर करन वाला यह अहसास है, ते यह अहसास एक सुंदर निबंध दे लई बहुत जरूरी है। ठीक है, अगे आ गई कल्पना, जिवें कविता विच, पर कविता जिन्नी तां नहीं हुंदी इहदे विच, पर फिर भी इहदे विच कल्पना जिहड़ी इह तत्त वी मौजूद हुंदा। शख्सियत दी छाप हुंदी है इहदे विच। ठीक है, जिवें जिहड़ा निबंधकार हुंदा उहदी निजी रुचि दृष्टि शख्सियत दा प्रगटा मौजूद हुंदा, इस करके हर निबंध दे रचनहारे दी शख्सियत दी छाप हुंदी है जिहड़ी उह निबंध दे विच हुंदी है। गद्दवत्ता आ गई, अगला तत्त आ गया बुद्धि ते हिरदे दी सुमेलता। तकनीक आ गई, देखो होर गल्लां दे नाल नाल तकनीक दा निबंध विच वी बहुत होना जरूरी है, तकनीक दी अपनी भूमिका। ठीक है, ते इस विधि विच ही सफल वरतों उपर उस दे निबंध दी सफलता दा आधार हुंदा। अगे आ गई लड़ीबद्धता। लड़ीबद्धता तो देखो नाम तो ही पता लगता भी की भाव है, भी विचारां दा इक लड़ी दे विच परोए होना, ते इक आलोचक अनुसार जिहड़ा विषय नूं सुचज्जे ते लड़ीबद्ध रूप विच पेश करना इक चंगे निबंध दा तत्त है। पंजाबी निबंध दा विकास देखो, आधुनिक काल विच जिवें देखो पंजाबी निबंध दे खेत्र विच काफ़ी विकास होया, क्योंकि विज्ञानिक लीहां उपर पंजाबी निबंध जिहड़ा उह 20वीं सदी अंदर लिखना शुरू होया, ते इत्थों वख वख निबंधकारां ने उन्हां दीआं रचनावां दा प्रगटा थीमां ते शैलियां दे पक्ष दे विचार ते कीता। ठीक है, जिहदे विचों देखो सब तो पहलां भाई वीर सिंह जी आउंदे आ। भाई वीर सिंह आ जिहड़ा उह आधुनिक वार्तक दे मोढ़ी है। ठीक है, ते उन्हां ने वार्तक विच कई नवें ढंग अपनाए आ, नवें रंग अपनाए आ, ढंग अपनाए आ, ते जीवन दे खास खास विशिआं नूं आधार बना के उन्हां ने लगभग 700 तों वध लेख लिखे। ठीक है, ते इन्हां दे लेखां नूं पुस्तकां दे रूप विच प्रकाशित कीता गया, ते जिन्हां दे नां हन जिवें गुरु नानक चमत्कार, कलंगीधर चमत्कार, संत गाथा, गुरु बालम साखियां, मालवा देश रटन दी साखी, गुरबिलास, पातशाही पहली ते पातशाही दसवीं आदि। ये इन्हां दीआं रचनावां, इन्हां दे निबंध है। ठीक है, निबंध दे नाल संबंधित पुस्तकां, क्योंकि इस दे विच जिहड़े बाकी दे निबंध लिखे गए आ 700 तों वध है, ते इन्हां दे तुसीं इस तरह नाम याद करोगे, ते आपां नाल नाल सारे मतलब जिन्ने भी निबंधकार है उन्हां दे निबंध भी लिखे मैं इत्थे, ते उन्हां बारे थोड़ी बहुती जानकारी भी लिखी हुई है, इस करके वीडियो नूं ध्यान नाल सुनो। भाई मोहन सिंह वैद आ गए अगे, इह जिहड़े आधुनिक निबंध दे खेत्र विच इक अजिहा लेखक है इह, इक जिसने भाई वीर सिंह द्वारा स्थापित परंपरा तों थोड़ा हट के वार्तक रचना कीती है, ते इन्हां दी वार्तक रचना जिहड़ी उह मौलिक भी है ते अनुवादित भी है। ठीक है, ते इन्हां दीआं वार्तक रचनावां देखो जिवें कर्म योग, सुखी परिवार, पछतावा, सियाणी माता, बेकन विचार रत्नावली आदि इन्हां दीआं रचनावां ने। अगे आ गए साडे कोले प्रोफैसर पूरन सिंह। प्रोफैसर पूरन सिंह भावात्मक किस्म दी वार्तक रचना करन वाला वार्तककार है। ठीक है, भावनात्मक, भावना वाली समझदे हो ना तुसीं,
भावात्मक निबंधा विच कल्पना दा तत्त है जिहड़ा उह प्रधान हुंदा ते प्रोफेसर पूरन सिंह दी वार्तक काव्यमई भी है ते कई थावां ते इह भेद करना औखा हो जांदा वी इह कविता है जां वार्तक। ठीक है, ते इन्हां ने खुले लेख निबंध पुस्तक तो इलावा मटक हुलारे, गुरु ग्रंथ कोश, अरशी कलियां आदि पुस्तकां दीआं भूमिकां भी लिखियां ते बाबा बुद्ध सिंह दी पुस्तक हंस चोग दा रिव्यू भी कीता। ठीक है, अगे आ गए साढ़े कोले भाई जोध सिंह। भाई जोध सिंह है जिहड़े ये धार्मिक ते गंभीर विशेषां उपर लिखण वाले वार्तककार है ते इन्हां दीआं प्रसिद्ध रचनावां इत्थे मैं लिखियां, गुरमत निर्णय, प्राचीन बीड़ां बारे, सिक्खी की है, जीवन दे अर्थ, सुल्तानपुर दा संदेश आदि ये इन्हां दीआं रचनावां। ठीक है, अगे आ गए लाल सिंह कमला अकाली, तो यह इसे काल का एक होर वार्तक लिखारी है जिहड़े काल दे विच बाकियां ने लिखिया, इसे काल का यह लिखारी है जिसने जीवन नाल संबंधित विषयां नूं आधार बना के वार्तक रचना की है। तो इन्हां दीआं निबंध पुस्तकां देखो, मौत राणी का कुंड, जीवन नीति, मन की मौज आदि, ये लाल सिंह कमला अकाली दीआं रचनावां निबंध पुस्तकां इन्हां दीआं। अगे देखो गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी है जिहड़ा इन्हां ने पंजाबी विच अलंकारक शैली है जिहड़ी निबंध लिखण वाला पहला निबंधकार है, ये अलंकारक शैली दे विच इन्हां ने निबंध लिखे है। ठीक है, तो इन्हां ने पंजाबी दे ये प्रसिद्ध शैलीकार भी है जिन्हें अपनी मतलब वार्तक नूं मांज सवार के सोहना बनाया। तो इहदियां देखो रचनावां, नवां शिवाला, खुला दर, एक दुनिया दे 13 सुपने, मनोहर शख्सियत, प्रसन्न लम्मी उमर, धर्म मनुख, जिंदगी दा रास, जिंदगी दी कविता आदि, ये गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी दीआं रचनावां। देखो अलंकारक शैली दा ये निबंध लिखण वाला पहला निबंधकार है। ठीक है, तो ये बहुत ही वधिया प्रसिद्ध शैलीकार भी है ते वार्तक नूं मांज सवार के इसने बहुत सोहना बनाया। दूजी बार दसता तुहानूं मैं तां कि तुहाडे याद हो सके। सरदार कपूर सिंह, इन्हां दी वार्तक दार्शनिक ते बौद्धिक किस्म दी है ते इन्हां दी निबंध पुस्तक परंदरीक है। इस पुस्तक तो ही इन्हां ने थीम ते शैलियां दा पता लगदा। ठीक है, अगे आ गए हरिंदर सिंह रूप। हरिंदर सिंह रूप दे निबंधां दी अपनी वक्री शैली है। ठीक है, इन्हां ने हल्के फुलके निबंध चुंझा पहुंचे, रूप रंग, रूप रीझां विच मिलदे आ ते इन्हां ने साहित नाल संबंधित निबंध लिखे है जिवें धर्म नाल संबंधित निबंध भी इसने लिखे है। तो इस अंदर एक व्यंग है जो घट निबंधकारां दे विच वेखण नूं मिलदा है हरिंदर सिंह रूप दे अंदर। अगे आ गए ज्ञानी गुरदित सिंह। ज्ञानी गुरदित सिंह दा निबंध मेरा पिंड विचों लै गए है इन्हां दे निबंध, देखो मेरा पिंड पुस्तक दे विचों। तो इन्हां ने अपने निबंधां विच पंजाब दी पुरातन सभ्यता ते नवीं सभ्यता दा मुकाबला मिलदा है। ठीक है, तो विद्वानां ने इस पुस्तक विचले निबंधां नूं इन्हां विचली पेंडू जीवनी संबंधी सभ्याचारक जानकारी कारण पेंडू जीवन का एनसाइक्लोपीडिया भी आख्या। ठीक है, पेंडू जीवन का एनसाइक्लोपीडिया इन्हां दे निबंधां नूं कहा जांदा। अगे आ गए डॉक्टर बलवीर सिंह। डॉक्टर बलवीर सिंह है जिहड़ा एक अजिहा वार्तककार है जिसनों साहित रचना की प्रेरणा घर विच ही प्राप्त हुई है ते उसने अपने नाना जी ते भाई वीर सिंह तो गुरमित विचारधारा के प्रभाव नूं कबूलिया ते विदेश विच अध्ययन ते जानकार पछमी विद्वानां तों भी प्रभावित होए है इह ते इस दे नाल ही भारतीय धार्मिक ग्रंथां दा असर भी इन्हां दे मतलब इन्हां दे उपर वेख्या जा सकदा। ठीक है, ते इन्हां दे देखो रचनावां किहड़ियां किहड़ियां, कलम दी करामात, लम्मी नदर, सूरत शब्द विचार ते शुद्ध सरूप आदि इन्हां दीआं जिहड़ियां रचनावां। अगे देखो प्रिंसीपल सन सिंह सेखों। प्रिंसीपल सन सिंह सेखों जिहड़े चोटी दे आलोचक मन्ने जांदे आ पर इन्हां ने निबंध भी लिखे हन जो प्रगति पंध, साहित्य अर्थ, पंजाबी काव्य श्रेमणी ते साहित्यिक लेख आदि अंदर मिलते हैं। ठीक है, इन्हां सारयां दे अंदर ते प्रोफेसर गुलवंत सिंह आ गए। अगे प्रोफेसर गुलवंत सिंह है जिहड़े इन्हां ने निरे फारसी दे ही विद्वान नहीं इह सगों एक उच्च कोटी दे ते प्रौढ़ बुद्धि वाले निबंधकार भी है। ठीक है, इन्हां दीआं पुस्तकां देखो, पहली पुस्तक का नाँ गुरमत साहित चिंतन ते दूजे निबंध का नाँ इन्हां दा सूफीवाद है। प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम बारे देखो तुसीं। ठीक है, ये इन्हां ने सानू 1.5 दर्जन तो भी वध वार्तक रचनावां दित्तियां, इन्हां विच कुछ निबंध संग्रह भी शामिल है। ठीक है, हिंदुस्तानी कला इन्हां दी निबंध, हिंदुस्तानी कवि, हिंदुस्तानी कविता 16 कला,
पंज दरिया गुरु घर इन्हों दियां मतलब इन्हां दे निबंध है जिहड़े ओह सानू मिलदे आ प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल। ठीक है, तुसीं नाम भी नाल नाल याद रखने ते नाल नाल इन्हां दियां रचनावां भी याद रखनियां। ठीक है, प्रोफेसर कृपाल सिंह कसेल ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 22 ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੋਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਇਹ ਇੱਕ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਦ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਸੋਗੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਉਦਾਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੋਨ ਨਗਮੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਮਲ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਮਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਲੰਕਾਰਕ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਸਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ। ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਲਤਰਾਂ, ਅੱਕ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਖੌਟੇ ਅਤੇ ਪੁਆੜੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1830 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1884 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨਮਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਬੰਧ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਿਆ ਰਤਨਾਕਾਰ, ਸੱਦਿਆ, ਨਿਰੂਪਣ, ਗਿਆਨਮਾਲਾ, ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਰਿਤਾਵਲੀ, ਅਨੇਕ ਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁੰਡਲੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1853 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1921 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੌਚਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਮਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੇਖ, ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ SS ਅਮੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਡਾਕਟਰ SS ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।